सबसे पहले तो ये आपका पहला अवार्ड शो है, पहला साल है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एक्साइटमेंट है और हाइपा के बारे में कितना जानते हैं आप? आई थिंक हर अवार्ड शो के लिए एक्साइटमेंट होती है एंड आइफा के लिए थोड़ी और होती है बिकॉज ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन होता है जो इंडिया से बाहर होता है एंड प्रोबेबली द ओनली अवार्ड फंक्शन जो इंडिया से बाहर होता है और सारी इंडस्ट्री जो है वो एक साथ आती है कोई किसी बाहर जगह पर. और आई एम श्योर बॉलीवुड की बहुत सारे फैंस हैं जो बाहर भी हैं तो उन्हें भी थोड़ा मौका मिलता है आके देखने का, इंटरेक्ट करने का. सो आई थिंक मेरा पहला आइफा है और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. अवार्ड फंक्शंस ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं पर फिर भी होता है कि एक बचा है, अभी एक आइफा बचा है. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शंस एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपके लिए अवार्ड कितना मायने रखता है? आई थिंक अवार्ड एक जरिया है अप्रिसिएशन का. तो ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती है. आई वोंट से कि इट इज़ द ओनली वे बट हाँ अवार्ड बहुत मायने रखता है. जब भी आप कुछ काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका एक जो प्राइज़ है वो मिले. सो आई थिंक इट्स अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. तैयारियाँ अभी तो बस एक्साइटमेंट चल रही है, कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है. बट हाँ मलेशिया में हो रहा है. आई हैव बीन टू मलेशिया बिफोर बट ये वाला जो ट्रिप है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार और एक्साइटिंग होने वाला है. मेरी फेवरेट इज़ क्वीन. आई थिंक इस साल इट इज़ प्रोबेबली द ओनली फिल्म जो मैंने हॉल में 3 बार जाकर देखी है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. मैं अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाऊँगी. आई एम बट आफ्टर सम टाइम, जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, जब सही मौका होगा मैं उनके बारे में बात करूँगी. आई जस्ट वॉन्ट से दैट आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस एज फार एज माई करियर इज कंसर्न एंड आई एम डूइंग फिल्म एंड आई टॉक अबाउट देम सून. कृति, अगर आपकी लाइफ में आखिरी 24 आवर्स, आखिरी 24 घंटे रहे तो आप क्या करना चाहेंगी? आखिरी 24 घंटे क्यों यार? फॉर एग्जांपल रहे तो आप क्या करना चाहेंगी? I don't even want to think about it. Okay, how would you define your life as in for now? How would you define it? क्या कहेंगे अपनी लाइफ के बारे में? I think happy है, exciting है एक newcomer के लिए जो इस फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है उसके लिए पहली फिल्म से appreciation मिलना और audience as well as industry से accept होना, अच्छी opportunities मिलना और मेरे जैसे के लिए तो मतलब I'm not from the industry तो it's sometimes like a dream come true and it's कभी कभी मुझे लगता है कि एक्चुअली हो रहा है या क्या हो रहा है. मेरे साथ ऐसा बहुत अवार्ड फंक्शंस में भी हुआ है कि मैं बस बैठी हुई हूँ एंड सडनली आई जस्ट फील कि मैं ये टी वी पर देखती थी और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ. तो इट इज़ वेरी सरियल एंड इट्स वेरी ड्रीम लाइक इवन राइट नाउ फॉर मी. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड ही डज नॉट लुक 50 एट ऑल. So I think this is what I totally believe in, that you should always keep the child within you alive. So yeah, I think he does. अभी तो मैं बस एक ही फिल्म करी है तो अभी आई थिंक बहुत सारे लोग हैं. जब एक्सपीरियंसड एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं स्पेशली अपने करियर की शुरुआत में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो आई थिंक आई एम स्टिल वेरी न्यू एंड आई वुड वॉन्ट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई रियली वॉन्ट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. सो आई होप आई गेट दोज गुड अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सो मच.